हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 120 प्रश्न कर लिए हैं, आज हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 121वां क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला सिकंदर तथा पोरस, दूसरा जयचंद मोहम्मद गौरी, तीसरा अकबर और हेमू, चौथा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अपना आंसर आपको कमेंट में बताना है। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये 1192 में हुआ था, 1191 में पहला युद्ध हुआ था और ये भी इन दोनों के बीच ही हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे, पृथ्वीराज चौहान जीता था, ये विजयी रहा था, ठीक है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था, मोहम्मद गौरी ये विजयी रहा था, ठीक है। दोनों युद्ध इन दोनों के मध्य ही लड़े गए, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? पहला 7 बार, दूसरा एक सेकंड, दूसरा आपका है 5 बार और तीसरा आपका है 17 बार, चौथा आपका है 15 बार। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 123वां, 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? पहला कुमार पाल को, दूसरा जयचंद को, तीसरा गोविंद राज, चौथा भीम द्वितीय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जयचंद को। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? पहला इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा गियासुद्दीन बलबन, चौथा रजिया सुल्तान। तो जल्दी से आपको अपना आंसर बताना है। इन्होंने नौरोज त्योहार की भी शुरुआत की थी, नौरोज त्योहार की भी शुरुआत की थी, यह है आपके ऑप्शन नंबर सी, गियासुद्दीन बलबन। 125वां प्रश्न, हड़प नीति किसने लागू की थी? पहला लॉर्ड लिटन, दूसरा लॉर्ड केनिन, तीसरा लॉर्ड बेलेजली, चौथा लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी 1853 में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। पहला 1761 में, दूसरा 1527 में, तीसरा 1628 में और चौथा 1526 में। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1526 में, और ये पानीपत का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर जीता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं पानीपत की, पानीपत की दूसरी लड़ाई तो यह आपकी हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, अकबर व हेमू के मध्य, इसमें अकबर विजयी रहा था।
इसके बाद अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें, पानीपत की तीसरी लड़ाई ये आपकी हुई थी 1761 में, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली युवा मराठों के बीच इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। तो ये पानीपत की तीन लड़ाइयां हो गई, पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? पहला सलीम, दूसरा खुर्रम, तीसरा नसरुद्दीन, चौथा जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। 128वां, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला अकबर, दूसरा इब्राहिम लोदी, तीसरा शेरशाह सूरी, चौथा बाबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। 1521, 1739, 1529 और 1527। इसका राइट आंसर आपका है 1527, खानवा का युद्ध। और ये हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य, इसमें बाबर विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यहां से 1529, तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, और ये आपका हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, बाबर और अफगानों के बीच। तो इसको भी आपको याद रखना है। 130वां प्रश्न, अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखित हैं, किसके द्वारा लिखित हैं? पहला अकबर, दूसरा जियाउद्दीन वर्नी, तीसरा अबुल फजल, चौथा अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, अबुल फजल। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? पहला लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, दूसरा अकबर द्वितीय ने, तीसरा ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, चौथा सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने। आगे चलते हैं, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। और इसको बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने, हमीदा बानो बेगम ने। ये हुमायूं की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं, 133वां प्रश्न, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? पहला दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहां करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अकबर, दूसरा नूरजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? पहला हैदराबाद, दूसरा सीकरी, तीसरा औरंगाबाद, चौथा बीजापुर। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी,
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा या टॉम ऑफ द लेडी। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को में पराजित किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष में पराजित किया गया था? कौन सी लड़ाई थी कन्नौज की, किस किस के बीच हुई? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी। और इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो ये आपकी लड़ाई हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1544, दूसरा 1540, तीसरा 1542, चौथा 1539। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1540। और कन्नौज की जो लड़ाई है इसको हम बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? पहला फरीद, दूसरा जमाल, तीसरा जलालुद्दीन, चौथा अबुल फत। इसका राइट आंसर आपका है फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है, पहला फतेहपुर सीकरी, दूसरा दिल्ली, तीसरा सासाराम, चौथा आगरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में, बिहार के सासाराम में स्थित है। 139, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? पहला वजीर खान, दूसरा नूरजहां, तीसरा टोडरमल, चौथा अबुल फजल। इसका राइट आंसर आपका है राजा टोडरमल। पहला 140वां, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला 1568 में, दूसरा 1552 में, तीसरा 1576 में, चौथा 1584 में। जल्दी से अपना आंसर बताओ। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, और यह युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। इनके मध्य ये युद्ध हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही एक धर्म था जिसको इन्होंने प्रारंभ किया था, धर्म इसको इन्होंने किस वर्ष प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन 1482, दूसरा 1578, तीसरा 1532, चौथा 1582। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1582 में इसको इन्होंने शुरू किया था। इसको हम तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही के नाम से इसको हम जानते हैं। हमीदा बानो बेगम की माँ थी, ये किसकी माँ थी? पहला सम्राट जहांगीर की, दूसरा सम्राट अकबर की, तीसरा सम्राट हुमायूं की, चौथा सम्राट बाबर की। जल्दी से अपना आंसर बताओ। तो ये थी ऑप्शन नंबर बी अकबर की माँ, और ये अकबर की माँ थी और हुमायूं की महारानी यानी पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? यानी कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था या गिफ्ट दिया था? पहला औरंगजेब, दूसरा मुराद, तीसरा मीर जुमला, चौथा अबुल हसन कुतुब शाह। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी मीर जुमला, इन्होंने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अकबर ने, दूसरा हाजी बेगम ने, तीसरा बाबर, चौथा जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम।
मेहरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था की पत्नी थी, ये किसकी पत्नी थी? तो मेहरुनिसा जिन्हें नूर जहां के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर की पत्नी थी। आगे चलते हैं, ताजमहल के अनुसार के वास्तुकार कौन थे, यानी जो ताजमहल के आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो कौन है? ताजमहल जिन्होंने बनाया था, या राजमिस्त्री आप कह सकते हैं, किसने बनाया ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? पहला उस्ताद अहमद लाहौरी, दूसरा नॉर्मन फोस्टर, तीसरा हेनरी इरविन, चौथा उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? पहला विजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा हम्पी, चौथा वडोद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। आगे बढ़ते हैं, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए विजयनगर, दूसरा परमार, तीसरा राष्ट्रकूट, चौथा चोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य की। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से आंसर अपना बताओ। पहला अमृतसर, दूसरा आनंदपुर, तीसरा तलवंडी, चौथा पटना साहिब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। वर्तमान में इसको ननकाना साहिब के नाम से, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और ये तलवंडी है आपका पाकिस्तान में, कहां पर है? पाकिस्तान में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु हरगोविंद, तीसरा गुरु अंगद, चौथा गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साइनिंग आउट।